हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, वहां हमने इससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जाना। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इसके दूसरे पार्ट को, जिसमें हम विकास के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि जीन प्याजे ने दी हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें सबसे पहली अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या फिर इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें सेंसरी से संबंधित होता है इंद्रियों के द्वारा, और मोटर होता है गत्यात्मक क्रियाएं, यानी जो हम हाथ पैर हिला के या बच्चा छोटी छोटी जो क्रियाएँ करता है उसको हम गत्यात्मक क्रियाएँ कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 0 से 2 वर्ष की होती है। देखिए, कई बार तो दोस्तों सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी अवस्था कितने से कितने वर्ष की अवधि में होती है, तो इसको भी ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और दोस्तों, आप ध्यान रखें, 0 से 2 वर्ष की ये अवस्था होती है, और इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा वह गत्यात्मक क्रियाओं से सीखता है। यानी अगर हम कहें तो बच्चा जो है मेनली यहाँ पर अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा, जो कि 5 सेंस ऑर्गन्स हमने पढ़े थे कि भाई आँख, नाक, कान, त्वचा आदि के कारण द्वारा जो है सीखता है, या हम यहाँ कह सकते हैं कि सेंसेस आर टीचर्स हियर, यानी यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो कौन हैं, हमारे सेंसेस हैं, यानी हमारी इंद्रियाँ हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। आगे दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व गुण को सब दोस्तों इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। और जैसे आप ये मान के चलिए कि बच्चा ये समझने लगता है कि जो वस्तु उसके सामने नहीं है वो फिर भी संसार में एग्जिस्ट करती है। यानी अगर हम कहें कि इस अवस्था से पहले, तो दोस्तों ये वस्तु स्थायित्व की जो अवस्था है ये बच्चे में 2 वर्ष से पहले आती है, या कभी कभी 9 से 11 माह के बीच में भी हमें देखने को मिलती है। तो इस अवस्था में बच्चा ये समझने लगता है कि भाई जो चीज़ मेरे सामने नहीं है या जो चीज़ दिख नहीं रही है वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। यानी इससे पहले क्या होता था कि बच्चे को आप ऐसे ऐसे करके मुँह छुपा लेते थे और एकदम ता करते थे तो बच्चा खुश हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अभी हम चले गए हैं, या अभी मम्मी चले गए हैं, या जिसने मुंह ढका अभी वो चले गए हैं और फिर से एकदम से मेरे सामने आ गए, तो बच्चा इसलिए हंसता था। और अगर दूसरी बात कहें तो बच्चा इससे पहले क्या करता था कि बच्चा अगर कोई खिलौना उसके सामने से हटा लिया जाए तो उसके लिए बच्चा रोता नहीं था। यानी वो समझ जाता था कि जो खिलौना मेरे सामने से हटा लिया गया वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब इसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है तो बच्चा अपने खिलौने के लिए रोने लगता है। यानी उसको पता होता है कि खिलौना मेरे सामने से हटा लिया गया है परंतु वह एग्जिस्ट करता है, तो वो उसे दोबारा पाने के लिए इसलिए रोता है। यानी ये वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इमिटेटिव बिहेवियर की, अर्थात जो क्रियाएँ बच्चा आपको करते देखता है बाद में उन्हें दोहरा भी सकता है। यानी इस अवस्था में जो बच्चा क्रियाएँ करते हुए देखेगा और तो उस अवस्था में, यानी उस क्रिया को देखकर बाद में दोहरा भी सकता है। और दोस्तों, कुछ इस अवस्था में ही अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं कैसे? जैसे बच्चे के गालों को छू देना, ऐसे लगा देना, या बच्चों के ताता करके ऐसे हिला देना, तो बच्चे उससे खुश हो जाते हैं। तो ये क्रियाएँ बच्चे की धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यानी अगर आप उसे ऐसे छुएंगे तो बच्चा उस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता, या फिर गुस्सा भी कर सकता है। आगे देखिए दोस्तों, अगली अवस्था आती है। देखिए, पहली अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण था दोस्तों वो था हमारा वस्तु स्थायित्व का गुण। तो वो आप समझ गए कि जो वस्तु सामने नहीं होती वो भी संसार में एग्जिस्ट करती है या होती है, ऐसा बच्चा समझ जाता है। आगे बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, यानी क्रियाओं से, संक्रियाओं से पहले। ऑपरेशन का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे मानसिक क्रियाओं से है, यानी मानसिक क्रियाओं से पहले की जो अवस्था होती है, जिसको जो 2 से 7 वर्ष की होती है। तो दोस्तों, इसे पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी कई बार जाना जाता है। इस अवस्था को पुनः 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक प्राक संक्रियात्मक अवधि और या अंतर्दर्शी अवधि। तो दोस्तों, पिछले पेपर में जो था यूपीटेट के पेपर में ये पूछा भी गया है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। आगे देखें, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष की होती है, और अंतर्दर्शी अवधि जो होती है 4 से 7 वर्ष की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राक संप्रत्यात्मक अवधि की, जो 2 से 4 वर्ष की होती है। तो इस अवस्था में बालक में दो गुण दोस्तों, एक तो ईगो सेंट्रिज्म, जिसे हम आत्मकेंद्रिता कहते हैं,
और दूसरा जीववाद, ये दो गुण पाए जाते हैं जिसे एनिमिज्म भी कहते हैं, यानी जीववाद और आत्मकेंद्रता का गुण जो है इस अवस्था में देखने को मिलता है। अब ये दोस्तों आत्मकेंद्रता का मतलब क्या है, तो दोस्तों आत्मकेंद्रता का मतलब ये है कि बच्चा अपने दृष्टिकोण में और दूसरों के दृष्टिकोण में जो है विभेद नहीं कर पाता। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा जब पापा का मूड खराब होता है तो बच्चा देखता है कि वो क्या करता है कि पापा को अपना खिलौना ले जाके देखता है, उसे लगता है कि जैसा मूड खराब होने पे या रोने पे मैं अपने खिलौने को देख के खुश हो जाता हूँ, ऐसे ही पापा मेरे खिलौनों को देखकर खुश हो जाएंगे। तो बच्चा जो है अपने दृष्टिकोण में और दूसरे के दृष्टिकोण में जो है अंतर नहीं कर पाता, वो सोचता है जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है, तो इसे कहते हैं आत्मकेंद्रता। और दोस्तों दूसरा है जीववाद का, तो जीववाद का मतलब होता है कि बच्चा जो है सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है। यानी अगर आप देखें कि मान लीजिए वो गिर जाता है या उसके मेज के द्वारा चोट लग जाती है तो तब तक वो क्या कहता है, मम्मी से कहता है कि पहले इसे मारो, तो मम्मी उसे तपाक से ऐसे मार देती है तो बच्चा जो है खुश हो जाता है और चुप हो जाता है, उसे लगता है कि मेज को भी चोट लगती है, यानी वो निर्जीव वस्तु को भी सजीव मानता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अंतर्दर्शी अवधि की, जो 4 से 7 वर्ष की होती है। तो अंतर्दर्शी अवधि में दोस्तों इस अवधि में प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है। अब देखिए दोस्तों प्रारंभिक तर्क शक्ति तो आ जाती है, लेकिन वो कैसी होती है, अतर्क संगत होती है, मतलब कोई तर्क नहीं होता उसमें। जैसे मान लीजिए बच्चा पहली बार देखता है कि जैसी ट्रेन आई तो ट्रेन आती, जैसे घर में लाइट भी आ गई, तो बच्चा एक लॉजिक जोड़ लेता है कि भाई जब ट्रेन आएगी तब लाइट जलती है, है ना। जैसे मान लीजिए कुत्ता बिल्ली दौड़ रहे हैं, पहले बिल्ली आई तो उसके पीछे कुत्ता आया, तो बच्चा जब भी बिल्ली को देखेगा तो वो उसे लगेगा जब भी बिल्ली आती है तो तभी कुत्ता आएगा। मीन्स एक असंगत जो चीज़ें होती हैं उनको आपस में एक तर्क के द्वारा जोड़ लेता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इस अवस्था में बच्चा जो है इरिवर्सिबल क्रियाएँ जो होती हैं वो ये नहीं समझ पाता। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे वो ये नहीं समझ पाता कि जैसे बर्फ़ से जो है पानी बनता है, या अगर कह ले कि पानी से बर्फ़ बनता है, तो वो ये नहीं समझ पाता कि बर्फ़ से दोबारा पिघलकर पानी भी बन सकता है, तो ये क्रियाएं उसके समझ में नहीं आती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अमूर्त चिंतन, जैसे अच्छाई बुराई आदि आना शुरू हो जाते हैं, मतलब एक शुरुआत हो जाती है, पूरी तरीके से अमूर्त चिंतन नहीं आता उसमें, लेकिन एक हल्की सी शुरुआत जो है उसमें हो जाती है। आगे देखें मूर्त संकेतात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो दोस्तों 7 से 11 वर्ष की होती है। अब देखिए बच्चा, देखिए दोस्तों इसमें मूर्त चीज़ें जो सामने दिखाई दें, यानी मूर्त चीज़ों के संबंध में वो तार्किक चिंतन करने लगता है, लॉजिकल कह सकते हैं। अगर हम यहाँ से पूछा जाए कि तर्क शक्ति का जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से होती है, यानी कह सकते हैं कि लॉजिक बिगिंस होता है इसमें। आगे देखें इसमें दोस्तों करते क्या है, देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क शक्ति को, जैसे मान लीजिए सेंटा क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि बच्चे भाई क्रिसमस पे कहते हैं सेंटा क्लॉज आएगा सबके लिए गिफ्ट लाएगा, तो बच्चे ये समझने लगते हैं कि भाई सेंटा क्लॉज का थैला जो है इतना बड़ा नहीं हो सकता कि उसमें पूरी दुनिया के लिए गिफ्ट समा जाए, या एक ही सेंटा क्लॉज एक ही समय में सबके घर कैसे जा सकता है, तो ये एक तर्क जो है बच्चे करने लगते हैं। आगे देखें दोस्तों प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बालक में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय यानी कंसेप्ट बन जाते हैं, इसको आप CCS से याद रख सकते हैं। CCS यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं, जैसे यहाँ पे CCS का मतलब होता है C4 कंजर्वेशन यानी संरक्षण, C4 क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और S4 सीरिएशन यानी क्रमबद्ध करना। तो देख रहे दोस्तों संरक्षण करना क्या होता है कि बालक समझने लगते हैं कि वस्तु का आकार बदलने पर, यानी हम ये कहने लगते हैं कि देखिए जैसे चॉकलेट में होता है कि बच्चों को 2 चॉकलेट दी, छोटी एक और बड़ी, तो बच्चा ये समझने लगता है इस अवस्था में आके, पहले तो क्या करता है, पहले तो बच्चे को जब भी जाएगा शॉप पे जाएगा तो उसे बड़ी चॉकलेट चाहिए, चाहे उसमें चीज़ें चाहे उसमें वस्तु का वजन चॉकलेट का वजन कुछ भी रहा हो, मात्रा कुछ भी रही हो, लेकिन उसे बड़ी दिखने वाली चीज़ चाहिए। लेकिन वो फिर ये समझने लगता है कि वस्तु का आकार बदलने पर या वस्तु के जो है कहते हैं कि बर्तन बदलने पर, तो उसका मात्रा और आयतन पर उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो बच्चा ये समझने लगता है इसमें। आगे दोस्तों वर्गीकरण, तो वस्तुओं का वर्गीकरण विभिन्न कारकों के आधार पर करने लगता है, जैसे आकार के आधार पर और या रंगों के आधार पर जो है चीज़ों को लगाने लगता है, मीन्स छांटने लगता है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई ट्रायंगुलर शेप में है चीज़ें, तो ट्रायंगुलर शेप वाली अलग कर देगा, सर्किल वाली अलग कर देगा, या स्क्वायर शेप में कोई चीज़ें हैं उसको अलग कर देगा, या अगर हम कहें कि रेड चीज़ों को अलग कर देगा, ग्रीन को अलग निकाल देगा, येल्लो को अलग निकाल देगा, तो इस तरीके से वर्गीकरण करने लगता है। आगे देखें दोस्तों क्रमबद्ध करना, तो क्रमबद्ध में देखिए संख्याओं को घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लगाने लगता है, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम, जिसे इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, तो ये सवाल भी दो है आसानी से करने लगता है।
नेक्स्ट आज बात करते हैं दोस्तों, इस अवस्था में जो पलटावी गुण भी आ जाता है। पलटावी गुण मतलब जो ये इरिवर्सिबल जो चेंजेस थे इसे समझ नहीं पा रहा था, जैसे वो नहीं समझ पा रहा था कि पानी से बर्फ़ बनता है तो बर्फ़ के पिघलने पे दोबारा पानी बन सकता है, तो इस कंसेप्ट को भी वो समझने लगता है। और आगे चलें दोस्तों, यह अवस्था उत्तर बाल्यावस्था या गैंग एज भी कहलाती है। तो आपने पढ़ाई है दोस्तों 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, तो उत्तर बाल्यावस्था में भी कहा जा सकता है इसे। आगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 4th स्टेज आती है, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तो अमूर्त चीज़ों के लिए भी तार्किक चिंतन इस अवस्था में दोस्तों आ जाता है। अमूर्त चीज़ें जो सामने नहीं होती, प्रस्तुत नहीं होती, यानी जो विचारों में होती हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी तार्किक चिंतन आ जाता है। समस्या समाधान की जो गति थोड़ी तीव्र हो जाती है, यानी जो प्रॉब्लम सॉल्व होत करने की जो गति होती है वो पहले से थोड़ी तीव्र हो जाती है। आगे निगमनात्मक चिंतन अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर या नियम से उदाहरण की ओर जाने लगता है। मतलब निगमनात्मक कैसे दोस्तों, जिसमें पहले हम क्या बताएं, नियम बताएं, उसके बाद हम उसका उदाहरण दें, तो ऐसे वाली चीज़ों पर आने लगता है। मीन्स अगर वो किसी सिद्धांत को पढ़ता है तो उसके उदाहरण अपने आसपास की चीज़ों से जो है वो निकाल लेता है, लगाने लगता है। आगे दोस्तों देखिए, वैज्ञानिक सोच आ जाती है। देखिए दोस्तों, जीन प्याजे ने पहले ही कहा है कि बच्चे जो हैं लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, यानी छोटे वैज्ञानिक होते हैं जो खोज ज्ञान की खोज खुद करते हैं, तो वैसे ही उसकी सोच दिखाई देती है, वैज्ञानिक सोच आ जाती है इस अवस्था में। और इससे वह कठिन वैज्ञानिक तथ्यों को भी समझने लगता है, यानी मुश्किल जो कंसेप्ट होते हैं वैज्ञानिक साइंटिफिक कंसेप्ट जो होते हैं उनको समझने लगता है। और समस्या समाधान के विषय में दोस्तों पहले ही अनुमान लगाने लगता है, यानी पहले ही परिकल्पनाएं बनाने लगता है कि भाई किस तरीके से इसकी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। आगे दोस्तों सृजनात्मक चिंतन आ जाता है, इट मीन्स क्रिएटिविटी उसकी बढ़ जाती है और बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, चीज़ों को अपने अनुसार जो है वो बना भी सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये 4 अवस्थाएं थीं, आपने अच्छा समझा होगा। और इन अवस्थाओं से अक्सर हमारे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेते हैं कि भाई तार्किक चिंतन का कब प्रारंभ होता है, जैसे पूछ लें वस्तु स्थायित्व का गुण कब आता है, या पूछ लेते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये आत्मकेंद्रता का भाव कब आता है, या फिर ये जीववाद का गुण कब आता है, इस तरीके से पूछ लेते हैं, या इनसे विभिन्न तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो आगे कुछ वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से बनते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं शैक्षिक अनुप्रयोग, यानी एजुकेशन में, शिक्षा में इसका कैसे इम्प्लीफिकेशन, इसके सिद्धांत का हम कर सकते हैं। तो उसमें देखें दोस्तों, सबसे पहले प्याजे के अनुसार प्याजे कहते हैं कि आप बच्चे को जो है एक्टिविटी करने दें, यानी प्याजे खुद से पहले से ही कहते थे कि बच्चे जो भाई छोटे साइंटिस्ट होते हैं तो साइंटिस्ट हैं तो उन्हें एक्टिविटी करने दें, क्रियाएँ करने दें, जिससे वो अनुभव प्राप्त करके सीखेंगे। और दोस्तों हम इसके अनुसार ही कि आयु के अनुसार पाठ्यक्रम बनाएं, तो आप देखते ही हैं दोस्तों हमारे जो एजुकेशनल जो हमारी एकेडमिक जो बुक्स होती हैं वो भी एज के अनुसार बनाई जाती हैं। आगे देखें एक्सपेरिमेंट वे खोज करने दें। देखिए जीन प्याजे ये पहले से ही मानते थे कि आप बच्चे को खुद करके देखने दें तो बच्चा खोज करके अपने ज्ञान को ज़्यादा बढ़ा सकता है, अपनी समझ बना सकता है। और आगे दोस्तों अध्यापक से आप सुविधादाता बने, मतलब अध्यापक बनाना दिखाएं, ऐसे कह देते हैं कि भाई जो किसी बच्चों को मार पिटाई ना करें और बच्चों को खुद सिखाने की कोशिश ना करें, उनको खुद सीखने दें, केवल आप एक माहौल और एक सुविधा दें उन्हें, कि सुविधाएं दें कि बच्चे को जहां चाहिए वो आपसे पूछे तो आप उसकी केवल मदद कर दें और उसे सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएं जिससे बच्चा एक्सपेरिमेंट करे, बच्चा खुद क्रिया करके सीखे। और दोस्तों आप देखते भी हैं कि आजकल बुक्स जो बनती हैं, बुक्स में भी हर चैप्टर के बाद में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जो है श्रृंखला दी जाती है पूरी पूरी की, बच्चों को प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तरह तरह के। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि हमारा जो सिलेबस आजकल पढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जीन प्याजे के सिद्धांत से जो है प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जीन प्याजे से संबंधित लगभग सभी जो चीज़ें हैं हमने इसमें जान ली हैं, और अगर फिर भी आपको अगर लगता है तो आप इसको एक बार फिर से दोबारा से वीडियो को चला के देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।